छुट्टी है प्यारी सी, मायके की पहली सुबह, बड़ा अच्छा सा लग रहा है बिना किसी फिक्र के उठना। हमारी शॉप है, बचपन से हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ खाई है। ये हमारी नहीं खाएंगे फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? तो बस वेलकम बैक टू माय व्लॉग, प्रतिभास व्लॉग। तो बस गाइस, गुड मॉर्निंग, हमारी सुबह हो चुकी है प्यारी सी, मायके की पहली सुबह, बड़ा अच्छा सा लग रहा है बिना किसी फिक्र के उठना, बिना किसी फिक्र के मतलब सोना, वरना सुबह उठो ये करना है वो करना है कुछ ना कुछ लगता है। तो मैं बस जा रही हूँ चाय पीने के लिए, और मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, बाकी सब भी चाय पी ही रहे हैं। देखिए टी टाइम, बाबा 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 आ गई हमारी बानी चाय पीने। घरों ना कह रहा था आपको, दीदी कहाँ चली गई? दीदी बना लेती है यहाँ पे। नया आज बन रहे हैं, हमारी भाभी ने बना रही है ब्रेड रोल हम लोगों के लिए, टेस्टी टेस्टी। ये नहीं खाएंगी? सुनो बोलिए, हम लोगों के लिए स्पेशली हम लोगों के लिए बनाया था। जब गेस्ट आते हैं तो फिर उनके लिए सोचना पड़ता है क्या बनाए क्या बनाए, हम लोगों के लिए। तो मेरी डिमांड ये है शाम की कि मुझे भाभी के हाथ की चाय खानी है, क्योंकि सौरभ बताता है कि भाभी बहुत टेस्टी चाय बनाते हैं। नहीं कुछ कहने आया तुमसे नहीं, मेलन काट दो मेरे लिए, मस्त मेलन चीकू। यहाँ पे ब्रेकफास्ट आ चुका है, तो मौसा जी खाने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट। क्या बनाया मौसा जी? सारे लोग, ये मेरे बड़े मौसा जी हैं, मेरे छोटे मौसा, सब ठीक है? ओके, नाच लो, वो नाश्ता कर लो। क्या मेरे मौसा जी हो गए, किसको किया वीडियो बना रही है? सो गए, जैसा कि आप सबने देखा हम सब यहाँ ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, तो अब हम लोग चल दिए थे हल्दी के लिए रेडी होने के लिए, बस अब हम जा रहे हैं। सो अब हो चुके हैं हम रेडी, निकल रहे हैं मौसी के घर पे हल्दी के लिए, तो बस अभी जा ही रहे हैं हम लोग। जय मौसी। हमारी शॉप है, बचपन से हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ खाई है। ये हमारी बाबा की दुकान है, जो यहाँ पे लाला की दुकान के नाम से बहुत फेमस है, छोटे लाला बड़े लाला, है ना दीदी? बस कराओ ना सो गाइज, हम यहाँ पहुँच चुके हैं मौसी के घर पे, और यहाँ पर बैठने को बिल्कुल भी जगह नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सारे लोग यहीं बाहर ही बैठे थे, अंदर नहीं बैठा था कोई भी, तो यहाँ पे बस हम लोग बैठ चुके थे थोड़ी देर। थोड़ा थोड़ा
नहीं तोड़ा मैं तोड़ लिया कल डालो बोला फूल कृपया करके राधे राधे भाई आ रहा था वही ताई भाई सब ऐसी करते शादी में ऐसी चलता है सर। यहाँ पे हल्दी चढ़ने के बाद फिर हमने किया आरती जो भी मतलब करते हैं लड़की या लड़के के ऊपर। फिर उसके बाद जो है बहुत अच्छी जो है बरनी गाई गई। तो देखिए सुनिए यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी बरनी गाई, मुझे तो नहीं आती लेकिन इन्होंने गाई। लबंदा निकल जाऊ निकल जाऊ एक मिनट पीछे निकल जाऊ खा लो गीला हो रहा ना सही है सही बैठू लो खाना फोटो आ गए अभी वो नहीं आई कैमरा लेंस से पहले दे दी मैंने सब देख भी लग रहा है शादियों में लग रहा है हल्दी की सब देखी थी बाद में कर ली वीडियो कॉल खा लो पहले बैठो चलो नहीं सो गाइज वहाँ से हम लोग घर पे आ चुके थे। मम्मी मैं दीदी सारे लोग घर पे आ चुके थे क्योंकि मेरा चीकू जो है घर पे सो रहा था तो मैं आ चुकी थी। और ये हमारा शाम का वीडियो है तो भैया ने बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स चला दिए थे तो उसमें फिर मैं डांस कर रही थी तो अच्छा लग रहा था। घर पे इतने दिनों बाद मज़े से मतलब डांस कर रहे थे क्योंकि भैया मेरे बड़े भैया की आदत है कि जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं या अकेले भी हो तो म्यूज़िक चला देते हैं
फुल वॉल्यूम में वो म्यूज़िक सुनते हैं, उनको फुल वॉल्यूम में म्यूज़िक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप घर जाओगे कभी, कोई मतलब मेरे रिलेटिव अगर पता हो जो भी मुझे जानते हैं, तो आपको पता ही होगा मेरे भैया की कैसी आदत है, तो वो उन बिल्कुल कान फट जाते हैं हमारे तो सुन के, इतनी ज़ोर से मेरे भैया सुनते हैं। लेकिन हाँ, गाने बड़े ज़बरदस्त लगाते हैं वो, तो बड़ा मज़ा आया, उन्होंने गाने लगाए और मेरे पैर रुके ही नहीं, फिर मैंने खूब डांस किया घर पर। सो गाइस, सबके साथ दिन कैसे निकला पता ही नहीं चला, कैसे बच्चों के साथ मस्ती चलती रही, बच्चों ने भी खूब इन्जॉय किया, क्योंकि भैया तो मेरा ऐसा है ही कि बच्चों को फुल इन्जॉय कराता है। तो यहाँ बच्चों की मस्ती ख़त्म होते हुए तो मैं भी करती हूँ अपने व्लॉग का एंड, और ये मेरी फिर से हल्दी की छोटी सी क्लिप थी जो मैंने बस एंड में लगाई। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नई नई वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो।